मौसम में हुए परिवर्तन से जनपद में बढ़ रही है सर्दी जुकाम व बुखार के मरीजों की संख्या। सीएमओ ने कहा लोग हल्के गर्म कपड़े का करें प्रयोग, दिक्कत होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों से ले सकते हैं उपचार। जिला उद्योग बंधु की बैठक मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में हुआ सकुशल संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इन्वेस्ट अप के नवीन कार्यालय का लखनऊ में किया उद्घाटन। गोरखपुर आयुक्त सभागार में कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। यूपी में इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपतियों को प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित। इमामबाड़ा स्टेट में पहले रोजे का पहला सामूहिक रोजा इफ्तार का हुआ आयोजन। रोजा इफ्तार के बाद लोगों ने देश में अमन और शांति के लिए की दुआ। वृंदावन के प्रख्यात संत सदगुरु रितेश्वर महाराज ने गोरखपुर पहुंचकर मीडिया से हुए रूबरू, कहा कि प्रधानमंत्री अपने कर्मों की वजह से तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री।